दोस्तों हम जा रहे हैं हरिद्वार। मैंने पहले भी बताया था और देखिए थोड़ा सा मैं इधर से रोड को दिखाऊंगी। और ये ऊपर देखिए ऊपर चपाटी बैठी हुई है और कुछ बच्चे इधर भी बैठे हुए हैं। तो दोस्तों कहाँ जा रहे हो आप? हरिद्वार। हरिद्वार में क्या करने जा रहे हो? किया जाता है। चलिए मैं बताती हूँ क्यों किया जाता है विसर्जन।
वहाँ पे कितने दूर है हरिद्वार यहाँ से? यहाँ से अभी 150 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर है तो दोस्तों हम यहाँ से अभी हरिद्वार से 150 किलोमीटर दूर है। अभी हमें और जाना है तो यहाँ पे खाना वाना खाने के लिए रुके हैं और बज गए हैं कितना बज गया टाइम? कितना हो गया? 12:00 क्या होगा चिप्स खा रहा है तो अब टाइम 5 बज गए हैं यहाँ पे। हमें चलते चलते और हम चले थे कितने बजे चले थे? हम 1:30 बजे चले थे और हमें यहाँ पे 5 बज गए तो थोड़ा सा हमने यहाँ नाश्ता पानी चाय वगैरह पी और ये रहा हमारा ट्रक जिसमें हम आए हैं सभी और यहाँ पे टूरिस्ट आके रुक रहे हैं तो यहाँ पे हमने चाय नाश्ता लिया और अब ऊपर चलते रुके। कैसा लग रहा? बढ़िया मस्त लग रहा, मस्त लग रहा और ऐसे लग रहा है, मजा भी आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है भाई। और खाना खाने की भूख भी नहीं थी तब भी हमने जबरदस्ती खा लिया है। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को, सुबह की नमस्कार सभी को। और देखना कैसी हालत हुई हमारी और मैं आपको दिखाती हूँ, साथ वाले सारे गहरी नींद में हो गए, कुछ जाते हैं भाई। हम तो नहीं सो पाए, हमें तो नींद जल्दी से आती नहीं। देखो यहाँ ये गर्ल्स बैठी हुई है, ये भी बेचारी नहीं सोई है। हम सब इंजॉय करते आ रहे हैं और कुछ ऐसे भी है जो सो सो के जाते हैं। और वहाँ सामने देखिए गणेश जी, चलिए गणेश जी की भी आपको मैं वो और देखिए कितना प्यारा, मतलब ये समझिए इतना प्यारा मौसम हो रहा है। और दिन का सुबह सुबह मतलब 5 बज गए हैं, 5 बजे 6 बजे टाइम कितना हो गया? 5 बजे ना, अभी 6 बजे हैं, देखना 6 बज गए, 5:55 हो रहे थे ना, 6 बजे ना, तो 6 बजे ना, तो 6 बजे का देखिए ये सफर करते हुए। और बेचारे तो सो भी नहीं पा रहे हैं, वो कुछ ऊपर हैं। टेरेस पे बैठ गए हैं भाई और हम फुल एंजॉय करते हुए यहाँ पे थोड़ा सा टोल टैक्स से
लिया जा रहा है, इसमें डेट हो रही है और हम जाने वाले हैं, शोक हुआ हुआ है। तो अब बताया, तो दोस्तों आप यहाँ मतलब कहाँ जा रहे हो? हरिद्वार जा रहे हैं। तो हम कितने बजे चले थे? 1:30 बजे चले थे और अब हम वहाँ बच गए 6 बज गए हैं। तो 6 बजे ऐसे लग रहा है कि कितना दिन निकल गया है। और दोस्तों हम सोए नहीं, और खासकर ये बच्चे तो बेचारे सोए भी नहीं है, अभी सोए नहीं। और वहाँ के जो बड़े बड़े हैं ना, सारे देखो ऐसे लग रहा है जैसे कभी मतलब सो नहीं आए सो नहीं आए। तो आप ये कहाँ जा रहे हैं बताओ? नहीं बता कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार तो जा रहे हो। और हरिद्वार किस लिए जा रहे हो? गणपति विसर्जन करने। तो गणपति है गणे, और आज क्या है? आज गणेश चतुर्थी है, आज विसर्जन है। विसर्जन नहीं है, आज विसर्जन है, चतुर्थी खत्म हो गई। अच्छा चतुर्थी खत्म हो गई, आज विसर्जन है ना। तो हम तो गणेश चतुर्थी ही मान रहे थे इसको, तो कोई बात नहीं, बाय मिस्टेक। तो ये बताइए गणेश जी को क्यों विसर्जन किया जाता है? आ जाओ, क्यों विसर्जन किया जाता है गणेश जी का बताओ? हमारे प्रेम भाई से बताए, प्रेम बताऊंगा पहले। तो अभी जो आप बता रहे थे, बताओ क्या नाम है आपका बताओ? मिस्टर सूरज बताए आप, रोशनी डालें विसर्जित। एक बारी और बताइए, अभी बता रहे थे ना आप, बताइए। तो बताएंगे मिस्टर सूरज जी, बताए सूरज है ना नाम आपका, अब बताओ 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 बताओ। उन्होंने रामायण लिखी थी, रामायण लिख रहे थे जिस दिन। अच्छा, तो उनके शरीर का ताप पड़ गया था रामायण लिखते लिखते, रामायण लिखते लिखते गणेश जी का। हाँ, तो उन्हें सरस्वती नदी में नहलाया था। अच्छा, तो विसर्जन का दिन मतलब विसर्जन इसलिए मनाया जाता है। अच्छा, और क्या कीर्तन किया है, मतलब अपने हर तरीके से लोग बाग उस चीज को देखते हैं, है ना? तो बताएं, और किसी को कोई पता है? वो तो बेचारे उधर को मुंह करके बैठ गए। तो मैं बताना चाहूंगी दोस्तों, मैंने जितना पढ़ा है ऐसे होता है कि ये जो गणेश जी के जो भाई थे कार्तिकेय, और वो ये दोनों भाई थे, तो कार्तिकेय महाराष्ट्र में, कार्तिकेय जो उनके बड़े भाई थे गणेश जी के, वो महाराष्ट्र में रहते थे। तो उन्हें लेने के लिए वो कहाँ गए थे? उन्हें मतलब उनके लेने के लिए गए थे ना, सॉरी। हाँ, कार्तिकेय को लेने के लिए उनके पास गए थे, और जब वो मतलब रह के वापिस आ रहे थे, तो उन्हें क्या है फिर मतलब उसमें मिला, उसमें उनको गणेश जी को उसमें विसर्जित कर दिया गया था पानी में। तो इसका मतलब ये है कि जो इंसान है वो एक माटी का पुतला है, और माटी से पैदा होता है, और माटी में ही मिल जाना है दोस्तों। तो गणेश जी के द्वारा, या गणेश जी के विसर्जन के द्वारा, या गणेश जी चतुर्थी के द्वारा, हम बहुत सारी चीजें ऐसी मतलब हमारे को एग्जांपल के तौर पे एक तरह से अपने जीवन में उतारनी चाहिए कि हमें कभी भी गुमान नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी मतलब दुखी निसाय को सताना नहीं चाहिए, सभी के साथ भाईचारे और प्रेम के साथ रहना चाहिए। तो यही है कि हमें इस चीज का ध्यान रखना कि हम इस मिट्टी से पैदा हुए और इसी में मिल जाना है दोस्तों। तो सबसे बड़ी, हाँ सबसे बड़ी यही वो है, मेरे चैनल का नाम है रॉकिंग लेडी 4142, ठीक है ना? तो यही है। तो भाई मैं तो आ गई हूँ यहाँ, बच्चों के साथ आ गई हूँ टेरेस पर, और मैं तो यही बैठ के इंजॉय करने वाली हूँ भाई। मेरे को नीचे भी नींद भी नहीं आ रही थी, और देखिए थोड़े थोड़े जगे हैं बेचारे, थोड़ी देर सो जाते हैं, इनको सबने जगा देते हैं क्योंकि, और ये इन बच्चों ने इतनी मेहनत की है, सच मानिए तो इन्होंने बहुत लगन के साथ, मैं ये कहती हूँ इन बच्चों की कामना जरूर पूरी हो। चलिए आगे मिलते हैं भाई दोस्तों।